अभी तक के पोस्टर वार का दौर चल रहा और अभी समय पोस्टर का दौर खत्म हो चुका है। अब मैं एक नए मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, जाति जनगणना। तो जाति जनगणना को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी मांग उठा रहे हैं और हमारे साथ इस समय रामलोटन जी हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि जाति गणना पे क्या कह रहे हैं। तो ये बताइए, जो इस समय जाति गणना का जो विपक्ष भी मांग उठा रहा है और अखिलेश यादव जी मांग, उसको लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, कई मामले ऐसे आए हैं, जैसे महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव का मामला रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश का पंचायत चुनाव का मामला रहा हो, चाहे यूपी के नगर निकाय चुनाव का रहा हो, और भूपेश बघेल जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी जो है कि 14% से ओबीसी का आरक्षण कोटा बढ़ा करके उन्होंने 27% किया। जो सारे मामले न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय का हथौड़ा ओबीसी प्रतिनिधित्व के संबंध में जो शासनादेश जारी होते हैं उन पर हथौड़ा चल जाता है, यह कह करके कि ओबीसी का जनगणना का कोई प्रामाणिक जो है कि आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मैं बताते चलूं कि सर्वप्रथम ब्रिटिश हुकूमत ने 1872 में जातिवार जनगणना कराया था, जिसका जो है प्रामाणिक पुष्ट और सारी जातियों को समेटते हुए 1881 में जो है भारतीय समाज की जनगणना का आंकड़ा आया था। हर दसवें बरस जो है कि जाति कास्ट सेंसस होता रहा और 1931 में अंतिम बार जो है ब्रिटिश हुकूमत ने जातिवार जनगणना का आंकड़ा प्रस्तुत किया। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है कि भारत का संविधान लागू हो गया। उसके बाद जो 1951 का सेंसस शुरू हुआ, तो दुर्भाग्य की बात नहीं कि एससी एसटी यानी जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है उनकी जनगणना तो कराई गई, लेकिन ओबीसी की जातिवार जनगणना नहीं हुई। क्या कारण रहा जो कि जनगणना? देखिए, कुछ ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ओबीसी की ताकत क्या है, भारतीय समाज में उनके जातिगत आंकड़े क्या हैं, क्योंकि मैं चुनाव का दौर जब चलता है तो मैं बड़े बड़े चैनलों पर या देखता हूँ, डिबेट का माध्यम हो, चाहे उनके जो ब्यूरो चीफ हैं उनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, कोई 12% ब्राह्मण समाज की संख्या बताता है, कोई 13, यहाँ तक कि 16% तक आंकड़े जो है कि ब्राह्मण समाज के तौर प्रस्तुत किए जाते हैं। मैं बताते चलूं कि सामाजिक न्याय समिति 2001 में बनी थी, उस समय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय जो है जो ओबीसी की जातिवार जनगणना की रिपोर्ट जो आई थी 54.05 थी। सवर्ण वर्ग की, सामान्य वर्ग की जातियों की संख्या 20.94% थी। जब 20.94% में देखिए, हिंदू समाज की 8 जातियां आती हैं, जिसमें ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, कायस्थ है, बनिया है, ये सिंधी त्यागी अभी जो अग्रवाल गर्ग अग्रहरी आदि कहते हैं, कायस्थ समाज है, त्यागी समाज है। तो जब 20.94% आबादी है और उसमें 15-16% अगर ब्राह्मण है, तो इन जातियों की संख्या कितना हुई? जबकि उसमें 4-5 जातियां जो मुस्लिम समाज की शेख सैयद अरशद पठान है, मुगल है, मिल्की है, वो भी शामिल है, अगर इनकी संख्या नियर अबाउट 5-6% होगी तो 21 में से निकाल देंगे तो 15% हुई। तो जब ब्राह्मण ही अपने को 13-12-15-16% कहता है, तो कायस्थ समाज की आबादी कितनी हुई, बनिया समाज की और राजपूत और भूमिहार समाज की आबादी कितना हुई। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि जब एससी एसटी की जातिवार जनगणना होती है तो ओबीसी की जातिवार जनगणना होनी चाहिए। मगरमच्छ की, शेर की, भालू की, बंदर की और जानवरों की गणना कराती है, किन्नरों की जनगणना कराती है, तो आखिर ओबीसी की जनगणना कराने में कौन सी राष्ट्रीय क्षति हो जाती है? देखिए, मैं तो अब तो खुल के कर, अभी तक जो आया है जातिवार जनगणना, मैंने देखा कि कायस्थ बिरादरी के लोग भी कहते हैं कि नहीं, जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तमाम राजपूत समाज के लोगों ने भी कहा कि आप लोगों की मांग रामचरितमानस की जो पिछड़े दलित वंचित समाज और नारी जाति के अपमान में लिखी हुई चौपाइयां हैं, उन पर चर्चा हटा करके जो है आप लोगों को सेंसस 2021 की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जातिवार जनगणना की मांग को जोर शोर से उठाना चाहिए। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि तुच्छ जातिवादी, सभी पर ब्राह्मणों को तो मैं नहीं कह सकता, उन ब्राह्मणों में तो केदारनाथ पांडे उर्फ राहुल सांस्कृत्यायन जी भी थे, जनेश्वर मिश्रा जैसे लोग भी थे, तो तमाम ऐसे ब्राह्मण समाज में भी लोग हैं जो सामाजिक न्याय और नैसर्गिक न्याय के समर्थक हैं। लेकिन जो जातिवार जनगणना का विरोध करने वाली ताकतें हैं, जो भी बिहार में जो जातिवार जनगणना चल रही है उसको रोकवाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में जिन लोगों ने याचिका आयोजित किया था उसमें सभी के सभी ब्राह्मण जाति के थे। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जातिवाद जनगणना का विरोध
ब्राह्मण जाति के लोग करते हैं, क्योंकि उनकी संख्या 3% है, और जो दावा करके 12% 15% 16% करके सभी राजनीतिक दलों में कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, और सामाजिक न्याय के मुद्दे को, संवैधानिक मुद्दों को कुंड करने का काम करते हैं, वही समाज के लोग कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं संविधान के अनुच्छेद संख्या 246 में जनगणना का मुद्दा रखा गया है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4)(1) के तहत व्यवस्था है कि सभी जातियों का कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में जो है समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मैं बता दूं कि मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह की सरकार के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन वही ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है 48 याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में जाना जाता है, और 9 जजों की पूर्ण पीठ और संविधान पीठ का गठन हुआ, जिसने 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन के तहत जो ओबीसी को 27% आरक्षण कोटा दिया गया था उसको वैधता प्रमाण करते हुए संवैधानिक घोषित किया था, और मंडल कमीशन के निर्णय में भी यह बात उभर के आई थी कि भारत सरकार को ओबीसी की जातिवार जनगणना कराई जानी चाहिए। मंडल कमीशन के तहत 52.10% हमारे ओबीसी की आबादी है और हमें आरक्षण कोटा 27% मिला है। उस समय एक बैरिकेटिंग था, मान लीजिए उच्चतम न्यायालय का एक डिसीजन आ गया था आंध्र प्रदेश के आरक्षण के मुद्दे पर कि आरक्षण का कोटा 50% से अधिक नहीं हो सकता। तो जब भारत सरकार आपको 103वां संविधान संशोधन जो हुआ ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, जिन्हें कि गरीब, आर्थिक रूप से गरीब सवर्ण कर सकते हैं, तो 10% उन्हें आरक्षण कोटा दे करके 50% के बैरियर को ढहा दिया गया, तो ओबीसी को 52% आबादी मंडल कमीशन के तहत थी, तो हमें समानुपातिक आरक्षण मिलना चाहिए। सर, अभी सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें किन किन समुदायों को फायदा होगा? देखिए, पिछला बजट पास हुआ था, मैं बता दूं कि 6,15,000 करोड़ का था। यह बजट जो है कि मेगा बजट है, और मैं तो कहता हूँ यह मेगा बजट जो है ना वो छिद्र युक्त बकट बजट है, क्योंकि जो 6,15,000 करोड़ का जो बजट जारी पिछला किया गया था, 35 से 40% भी उस बजट का उपयोग नहीं हुआ, वह पैसा जो है कि सरकार के पास वापस आ गया, अभी तक तो हमें देखने को नहीं आया। उसी तरह जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल हम जो है 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार और नौकरी देंगे, हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन एक भी स्मार्ट सिटी अभी 9 साल में प्रधानमंत्री जी नहीं बना पाए। अभी तक केवल 78,000 लोगों को ही जो है कि सरकारी नौकरी दे पाए, तो उनके दो ये लोग केवल न छल कपट झूठ फरेब और जुगलेबाजी की राजनीति करते हैं। यह बजट तो पास की 5 यहाँ सब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, G20 का भी सम्मेलन हुआ था, तो 4 पिछली बार का जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे क्या अपने प्रदेश के विकास के लिए क्या कौन सी नीति लागू हो गई, कौन सी उनकी जो योजना है वह धरातल पर उभर पाई। अभी तक जितना देख लीजिए आप, लखनऊ को ही देख लीजिए, इकाना स्टेडियम जो है अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया, उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिए। उन्होंने UP 100 चला योजना जो है कि पुलिस की चलाया, इन्होंने नंबर बदल के 112 कर दिया। उन्होंने जो है कि लोक भवन का हो, चाहे पुलिस मुख्यालय हो, चाहे देख लीजिए जलेश्वर मिश्रा जैसा एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम हो, चाहे गोमती रिवर फ्रंट का मामला हो, तो अखिलेश यादव की सरकार ने जो काम किया था ये केवल हजरतगंज का नाम अटल चौक रख देने से क्या यह विकास मान लिया जाएगा? अभी तो एक मुद्दा दब गया, डर गई है भाजपा सरकार कि लखनऊ का नाम जो है राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुरी करने वाले थे, लेकिन यह मुद्दा उठा कि लाखन पासी यहाँ के राजा थे, तो लाखन पासी नगर इसका नाम, अगर नाम है बदलना है तो लाखन पासी नगर कर दो। हमने दावा किया कि लाखन निषाद के नाम पर लखनऊ का नामकरण होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मोनो है, आप देखते हैं मछली और तीर और धनुष लिए हुए, आप चले जाइएगा जो भूल भुलैया है और पक्का पुल के बीच में मच्छी भवन है जो लाखन निषाद का महल रहा है, वहां से उत्तर प्रदेश का जो है लोगो लिया गया है, मोनो लिया गया है, तो लाखन निषाद के नाम पर लखनऊ का नामकरण क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन हम लोग देखिए नाम बदलने में, नंबर बदलने में नहीं बल्कि काम में विश्वास रखते हैं। छात्र के लिए, नौजवान के लिए, हमारे उनके लिए कल्याणकारी योजना हो,
शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना हो। अखिलेश यादव ने अगर शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना लागू किया था तो केवल वह निषाद यादव और मुसलमान को नहीं मिला। हम तो भारतीय जनता पार्टी में उस समय थे, लेकिन मेरी दो बेटियों को कन्या विद्याधन मिला, दो लैपटॉप आज भी हमारे घर में टकाटक झकाझक चल रहे हैं और हमारे बच्चे उसी लैपटॉप के मदद से हायर स्पेशल ले लिए, MA और BEd और DLED कर लिए, UPTET, CTET, UPPET क्वालिफाई कर लिए। तो आज ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं, टैबलेट की बात कर रहे हैं, तो ये तो केवल वही कहा जाता है नई बोतल में पुरानी शराब भरना। तो यह सरकार जो है केवल धार्मिक मुद्दों पर जनता का ध्यान असल मुद्दों से उलझाना चाहती है। आज तमाम, चाहे वो सवर्ण समाज के बच्चे हो, चाहे बैकवर्ड दलित और अल्पसंख्यक बच्चे हो, पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। आज वह मारे मारे फिर रहे हैं, ओवर एज हो गए हैं। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला, आप लोगों को मालूम है कि 16-17 भर्तियों का पेपर लीक हो गया। हमारे अरबों रुपया जो है हमारे बेरोजगार बच्चों का जो है कि नुकसान हुआ। कोई गोरखपुर से चला गया झांसी परीक्षा देने, कोई बलिया से गाजियाबाद गया, कोई लखनऊ का जो है कि सोनभद्र गया, लेकिन यह केवल जो है कि युवाओं का मान मर्दन और युवाओं को जिहादी बनाने का काम धार्मिक मुद्दों को उछालकर भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि धर्म ही इसका प्राण वायु है और मंडल के विरोध में उपजी हुई कमंडल की राजनीति के मुद्दे पर केवल राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हमको रोजगार मिल जाएगा? क्या हमारी रोजी रोटी चल जाएगी? कुछ वही लोग जो मठ मंदिरों में मठाधीश बन करके, जगत गुरु बन करके समाज को सही दिशा देने की बजाय दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, पथ भ्रष्टक का काम कर रहे हैं, हुआ राम मंदिर बन नहीं। हम लोगों को तो विद्यालय चाहिए। सरकार को करे भी जो ये अभी समिट हुआ है उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर मिल जाता ना, चार तो इन्वेस्टर समिट हुआ था, लेकिन उसके तहत कितने रोजगार मिल गए? मैं तो इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार चार इन्वेस्टर समिट का आंकड़ा प्रस्तुत करे, कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था हुई। मैं बता दूं कि मनरेगा की योजना किसने शुरू किया था? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 100 दिन का रोजगार सृजन की बात किया था, ये घटा करके 56 दिन कर दिए। तो इन्होंने रोजगार बढ़ाने का कहां काम किया? हाँ, 5 किलो राशन दे करके या भारतीय जनता को हिटलर का मुर्गा बनाना चाहते हैं, या पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग, गरीब गुरबा समाज के लोग अधिकारों की बात न कर सके, लोकतंत्र संविधान और हिस्सेदारी की बात न कर सके, ये हिटलर का मुर्गा बना करके अधिकार विहीन करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। और पिछड़े दलित वंचित समाज के साथ साथ जो सवर्ण वर्ग के लोग वास्तव में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, समाज की उन्नति चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि सही दिशा में काम होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब देश आजाद हुआ था क्या यहाँ था? सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र कांग्रेस की सरकार ने देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया एक तरफ, तो गेल सेल भेल रेल ONGC NTPC पावर प्लांट हो, बहुदेशी नदी घाटी परियोजनाएं, नहरों का जाल बिछा करके जो है कि किसानों का विकास करने का, देश को आर्थिक खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। लेकिन यह सरकार तो बताइए कि इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया, ये बैंकों का सम्मिलन कर रहे हैं, 4 बैंक मिला के 1 बैंक बना रहे हैं, निजी हाथों में दे रहे हैं, सारे सरकारी संस्थान और उपक्रमों को अडानी और अंबानी के हाथों में दे करके देश को पुनः गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुरु गोलवलकर द्वारा लिखित पुस्तक बंच ऑफ थॉट्स और वी आर नेशनहुड डिफाइंड के आधार पर जो है काम कर रही है। एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं विश्व का सबसे बड़ा विद्वान अगर किसी को मानता हूँ तो स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ, लेकिन जब उन्हें शिकागो में बोलने के लिए धर्म संसद में जाना था तो यहाँ के ब्राह्मण पाखंडियों ने उन्हें हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दिया था। श्रीलंका के एक बौद्ध परिषद ने स्वामी जी को जो है अपना धार्मिक सर्टिफिकेट दे करके उन्हें शिकागो में भेजा था, और स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ झंडा गाड़ने का काम किया था। लेकिन यही जातिवादी मनुवादियों ने, मनुस्मृति का संविधान में आस्था रखने वाले लोगों ने कहा था कायस्थ बिरादरी तो शूद्र होती है, तो यह किसी के नहीं, एक जाति विशेष का की ही तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सारे संसाधनों पर एक जाति विशेष का कब्जा हो। एक बात आपको मालूम होगा कि जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ लेकिन मैं सामाजिक न्याय में, संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सबके कर्म के आधार पर, चरित्र के आधार पर किसी को सम्मान मिलना चाहिए, एजुकेशन के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए। अभी अभी कल जो है अधिवेशन में जा रहे थे वो कौन खेड़ा जी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार,
उसके लिए क्या करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की हत्यारी तानाशाही हिटलर शाही में विश्वास रखने वाली सरकार है। अभी हमारी एक बच्ची थी नेहा सिंह राठौर, उसने देखिए कवि को, लेखक को, साहित्यकार को, पत्रकार को, मैं तो पत्रकारिता में पढ़ा कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। दस दस पत्रकारों की विक्रम जोशी जैसे पत्रकार, तमाम ऐसे पत्रकार जो विनोद दुआ जैसे भागे भागे फिर रहते बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है, जो नामी गिरामी पत्रकार थे, पत्रकारिता जगत को एक स्वस्थ वातावरण देने का, देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे थे। दस दस पत्रकारों की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, इनके जिहादियों ने किया। नेहा सिंह राठौर ने एक जारी कर दिया यूपी में काबा पार्ट टू, तो यह सरकार जो है मुकदमा कानपुर देहात की नोटिस जारी कर दिया है। लौटन राम निषाद से भी यह सरकार भी मिलाई हुई है। आप लोगों ने जो हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, तो हम भी जहां रहते हैं अपने भाई के मकान में मेरे घर की भी पैमाइश करा दी गई है। लेकिन मैं तो कह दिया मेरा जीना और मरना सामाजिक न्याय के लिए है, संविधान के लिए है। लौटन राम के घर पर बुलडोजर चले, मुकदमा कायम हो, उससे डरने वाला नहीं है। लौटन राम के निषाद के ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा तो हम लोग तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर जी, बीपी मंडल जी, पेरिया ललई सिंह यादव जी, रामस्वरूप वर्मा जी, पेरियाली बी रामास्वामी नायकर, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं, जोगी की और भाजपा आरएसएस के डंडे से, लाठी से, मुकदमे से, बुलडोजर से डरने वाले नहीं। अगर भाजपा अभी आरएसएस का नाम लिया तो अभी एक कुछ हमारे जो पत्रकार भाइयों ने अभी खबर चलाई थी जी, 100 करोड़ भूल को लेकर जी, जिसमें उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसको लेकर मैं बताऊंगा आपको। ये राजू दास जी जो थे जिनको ताड़ना किया गया, ताज होटल में ताड़ना किया गया था उनको, ताड़ना करते तो अब शिक्षा हो गया है ना, तो ताड़ना किया गया, उनकी लतवाही कुटवाही पिटवाही और घुसवाही और केहुनियाई नहीं हुई है। वह राजू दास वहाँ का बहुत बड़ा जो है कि लैंड माफिया है, वहाँ के मेयर उपाध्याय से साठगांठ करके वह जमीन का जो है कि भूमि माफिया है। अभी पता लगा है, अभी शिक्षा मित्रों का यहाँ कार्यक्रम था 4 दिन पहले, तमाम शिक्षा मित्रों का मेरे यहाँ फोन आया, लोगों ने कहा कि जोगी से काम कराने के लिए उसने हवन कुंड में करोड़ों रुपया इकट्ठा किया कि मैं हवन कराऊंगा 5,000-10,000 रुपया, और बेरोजगार बेचारे जो पड़े हुए हैं शिक्षा मित्रों से राजू दास ने लिया। ये राजू दास धार्मिक लुटेरा है, धर्म के का चोला ओढ़ करके यह केवल तानाशाही और माफिया गिरी करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो परमहंस आचार्य हो, एक और आचार्य का नाम महामंडलेश्वर हरि सिंह करके हैं, वो जंतर मंतर जैसे दिल्ली के रिहायशी स्थान पर कहता है कि तेजस्वी सिंह यादव, नीतीश यादव, अखिलेश सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जहां अगर मिल जाते हैं इनको गोली मार देना चाहिए चौराहे पर, तो जो बताओ कि ये संत कहे जाएंगे कि ये आतंकवादी कहे जाएंगे? ये हिंदू आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, लोकतंत्र और संविधान को मिटाने वाले या देश के खलनायक हैं। ये बाबा का चोला ओढ़कर केवल अपनी बुराइयों को दूर करने का, अगर इनका बायोडाटा खंगाला जाना है, जगत गुरु का हो, परमहंस का हो, चाहे राजू दास का हो, चाहे हरि सिंह का हो, तो तमाम महामंडलेश्वर हैं जो अपने को महात्मा और पीठाधीश्वर कहते हैं, बायोडाटा खंगालेंगे ना तो एक से एक बढ़ करके ये आसाराम बापू के चेला मिलेंगे। वो एक बाबा था ना कि रामलीला मैदान में 2013 में जो सलवार और समीज पहनकर भागा था, आज देश का बहुत बड़ा वो पूजपति हो गया, भारत में पूजपतियों में उसका स्थान हो गया। तो ये बाबा का चोला ओढ़ करके हमको आपको धर्म के मुद्दे की अफीम चटा करके असली मुद्दे से ध्यान हटाने का, भटकाने का काम करते हैं। अब हम जैसे लोग, ये पिछड़े, दलित, वंचित और देश के लिए आस्था रखने वाले हम लोग कर्णधारों को जो है जोड़ने और जगाने का काम कर रहे हैं, और 2024 के चुनाव में इनकी अफीम का नशा निश्चित रूप से इनके सर से उतरेगा, और 2024 में लटक कर, झटक कर, पटक करके हम लोग देश में जो है भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो हमारे साथ इस समय लौटन राम जी थे, उन्होंने बताया कि ये जो महंत है इस समय वो महंत नहीं, आतंकवादी के रूप में है, और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया गया है। अभी बताया कि शिक्षा मित्रों ने भी उनके पास फ़ोन किया कि हम लोगों से वसूली की गई, तो इसके लिए वो क्या मांग करेंगे? इसी के साथ बलवंत को दी लखनऊ से।